हिंदू युवती को अगवा करने के आरोप में मुस्लिम युवक के घर पर बुलडोजर चलाने वाली पुलिस को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में डीजीपी से जवाब तलब किया है, वहीं युवक को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। साथ में बालिग युवक युवती को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के आदेश दिए हैं। डिंडोरी निवासी आसिफ खान ने हाईकोर्ट से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका लगाई थी। उसके खिलाफ डिंडोरी पुलिस ने एक युवती के अपहरण का मामला दर्ज किया था। आसिफ के ही मोहल्ले में रहने वाली युवती से वह प्यार करता था। दोनों अपनी मर्जी से घर से भागकर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और वहां दंतेवाड़ा में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। अलग अलग समुदाय के चलते उनकी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं थी। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने दोनों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान युवती खुद कोर्ट में हाजिर हुई। उसने बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से आसिफ के साथ भाग गई थी। बावजूद आसिफ और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। टिंडोरी पुलिस ने लड़की के परिवार की शिकायत पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। आसिफ ने उस पर दर्ज FIR निरस्त करने की मांग की है। हाई कोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने प्राथमिक सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किए हैं और पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। आसिफ के घर पर हुई बुलडोजर कार्यवाही पर भी हाई कोर्ट ने सरकार और DGP से जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई जून में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।